अस्सलाम वालेकुम, डॉली की किचन में वेलकम। तो मैं आज आपके लिए बहुत आसानी से रेसिपी लेके आई हूँ, मटन की कलेजी। तो ये बहुत जल्दी बन जाती है मटन की कलेजी। चलिए देख लेते हैं कैसे बनती है। ये मैंने ली है 1 किलो कलेजी मटन की। तो इसे मैंने बहुत अच्छी तरह धो लिया है, साफ कर लिया। तो चलिए इसके मसाले देख लेते हैं, हमें किन किन मसालों की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत कम मसालों से बनाएंगे हम। तो मैंने 2 प्याज की गांठें ली हैं और मैंने 3 चम्मच धनिया पाउडर लिया है, 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, नमक टेस्ट के हिसाब से लेंगे, 2 चम्मच मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और मस्टर्ड ऑयल लिया है। तो हमने एक कुकर में कलेजी डाल देंगे और इसमें हम सारे मसाले ऐड कर देंगे, धनिया मिर्च हल्दी और ये प्याज नमक जिंजर गार्लिक पेस्ट और ऑयल, मस्टर्ड ऑयल में पकाएंगे हम। तो 2 चम्मच ऑयल डालेंगे इसमें हम, बस हमें कुछ नहीं करना, अब इसे अच्छी तरह चलाना है। थोड़ा सा पानी भी इसमें ऐड करेंगे, वैसे पानी छोड़ती है कलेजी, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने। तो ये देखिए हमारी कलेजी गल चुकी है। तो हमने 2 सीटी ली थी और फिर कम से कम 8 मिनट तक हमने धीमी आंच पर रख दिया था। तो हमारी कलेजी पक के गल चुकी है अच्छी तरह। तो इसे अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे कसूरी मेथी। जब तक हम कसूरी मेथी नहीं डालेंगे तो कलेजी का टेस्ट नहीं आता। तो 1/2 चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिया है, इसे भी अच्छी तरह चला देंगे और जब तक भूनेंगे जब तक हमारा ऑयल अलग ना हो जाए मसाले से। तो देखिए कितनी अच्छी से भून चुकी है कलेजी। अब इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, कसूरी मेथी और मसाला अच्छे से पक जाए। थोड़ा सा पकाएंगे इसे 2 से 3 मिनट तक। अगर चाहें आप तो इसमें पानी ऐड कर सकते हैं, मतलब नहीं आप ऐसे भी, अब बहुत अच्छी लगती है भुनी एकदम। तो हमारी कलेजी पक के तैयार है। चलिए मैं आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। लीजिए कितनी बढ़िया, देखिए कलेजी हमारी पक्के तैयार है। तो उम्मीद करती हूँ आपको कलेजी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी कलेजी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दुआ में याद रखें। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ। तो अल्लाह हाफिज़।